कहा यह भी जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं पहले जो नॉन मेंबर्स है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। 9:40 में बताया जा रहा है जो परमानेंट डेलीगेशन है, ये हमारे सहयोगी नीरज की जानकारी है जो ये बता रहे हैं कि वो उसके बाद पहुंचना शुरू करेंगे, कुछ देर वहां पर मौजूदगी रहेगी, वृक्षारोपण का भी वहां पर कार्यक्रम होगा। ये तो तमाम चीजें हैं जो आज राजघाट में होनी है, और जिस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी विक्रांत, नीरज और संदीप बता रहे हैं कि ये एक सत्य अहिंसा के जब पाठ की हम बात करते हैं लवीना, ऐसा समय है जब तमाम देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, ऐसा समय है जब कोई भी देश किसी पर भी अटैक कर सकता है, ऐसे में ये बताना कि सत्य और अहिंसा मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस है, ये भारत की आज से नहीं कब से रणनीति रही है, वो तमाम चीजें भी आज इस राजघाट के माध्यम से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर ही सही लेकिन एक संदेश के तौर पर जरूर जाएगी। पूरे कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो अभी डेलीगेशन का जो आना है वो शुरू हो गया, इसी वजह से लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी हम दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत करने के लिए पीएम मोदी पूरी तरीके से तैयार है, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज यहाँ पर पहुंचे। अच्छा, इससे पहले भी आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर पहले जा चुके हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, और वहां पर जो भव्य स्वागत होता है प्रधानमंत्री का वो भी ये बताता है कि भारत के रिश्ते तमाम देशों के साथ कैसे लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो बैकग्राउंड में तस्वीर है उसकी विशेषता क्या है, उसका इतिहास क्या है, इसे भी समझाया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो का स्वागत किया। प्रियंका, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ, जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम और भी मेहमान आने वाले, प्रियंका बने रहिए हमारे साथ। एक बार मैं भारत मंडपम का रुख कर रही हूँ, विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, इससे पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को लोग जानते हैं, उनकी बातें, उनके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं, इससे पहले आपने जो उनके बारे में लिखा गया है उसका भी जिक्र किया, और आज ये समझना भी जरूरी है कि जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आते हैं तो वो जरूर राजघाट पर पहुंचते हैं, चाहे वो भारत का दौरा करने के लिए आए हो, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल है, डोनाल्ड ट्रंप भी आपको याद होगा जब यहाँ पर आए थे तो वो भी राजघाट गए थे। देखिए बिल्कुल रवीना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महात्मा गांधी को लेकर ना सिर्फ लोग जानते हैं दुनिया भर के बल्कि उन्हें मानते भी हैं। गांधी का जो शांति और अहिंसा का जो संदेश है वो जितना रेलेवेंट आज से कहा जाए कि 100 साल पहले था उतना ही आज भी है, क्योंकि गांधी का जो सत्य और अहिंसा का मार्ग है वही आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से भी जाहिर होता है, और उन्होंने जो कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता और युद्ध से आगे नहीं बढ़ सकते, तो वही बात महात्मा गांधी आज से 100 पहले कहा करते थे, और उस समय भी उतना ही रेलेवेंट महात्मा गांधी का संदेश था। और जहां तक बात है महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर तमाम विदेशी डिग्निटरीज का जाना, तो जाहिर तौर पर तमाम दुनिया के देशों में महात्मा गांधी को लेकर उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, विदेशों में लगी हुई हैं, वो अपने देश में गांधी को उतना ही सम्मान देते हैं जितना यहां पर आने के बाद। और नीरज, जब भी हमने देखा है कि कोई फॉरेन डिग्निटरी भारत के दौरे पर आता है तो वो महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर अधिकांश जरूर जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल, और इस बार राजघाट में विक्रांत जी आपको बता दें एक और नई चीज जोड़ दी गई है, गांधी दर्शन म्यूजियम तो था ही, गांधी वाटिका वहां स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में उसका उद्घाटन किया था, और आपने देखा होगा एक तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बहुत ही चर्चित हुई थी अभी हाल में, महज 10 दिन पहले की बात है। वहां एक ऊंची प्रतिमा, मुझे लगता है 10 से 12 फीट की प्रतिमा है वो, वहां चरखा चलाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिख रहे हैं। वहीं 4-5 और तस्वीरें राजघाट के अलावा, राजघाट में तो समाधि स्थल है, उसके अलावा दूसरे जो गांधी वाटिका में साइकिल चलाते हुए गांधी जी दिख रहे हैं, गांधी जी का संदेश जो 3 बंदर देते थे वो दिख रहे हैं, वहां भी वसुधैव कुटुंबकम की एक बड़ी प्रतिमा जो है वो बैठाई गई है जहां गांधी जी बैठे हुए। तो हर तरह की तस्वीर, संदेश गांधी जी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक नेताओं का स्वागत करते हुए और ये बताते हुए कि गांधी आश्रम की क्या अहमियत गांधी जी के जीवन में रही है, किस तरह से उन्होंने अपना समूचा जीवन गांधी आश्रम से, अपने आश्रम से चलाया है, और एक बड़े आंदोलन को न सिर्फ भारत में, भारत को
अंग्रेजों से छुटकारा तो दिलवाया ही, बल्कि अफ्रीका से अपने जीवन यात्रा, आंदोलन यात्रा की शुरुआत करके यहाँ तक पहुंचे और एक पूरा संदेश अहिंसा का पूरी दुनिया को दिया। तो बिल्कुल अमीना, देखिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर जो अपने गेस्ट आए हुए हैं, विदेशी डिग्निटरीज हैं, राजनयिक हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर राजघाट में समय बिताने के बाद 10 बजे के करीब यहाँ पर आना शुरू हुआ होगा और इसी भारत मंडपम में जहाँ पर कल बेहद ही सफल सेशन हुआ, जिसके बाद भारत सरकार का जो कोशिश थी कि एक सहमति बन जाए, एक तमाम देशों को एक मुद्दे पर एक राय ले आए, तो वो उसमें सफल हुई। और आज जो दूसरा एक सत्र होना है आज के सेशन में, वो आज होगा और उसके बाद तमाम जो विदेशी गेस्ट हैं, राजनयिक हैं, वो अपने अपने देशों के लिए रवाना होंगे। और G20 जिसके बारे में कहा जा रहा था लवीना कि हो सकता है कि इसमें कोई सहमति ना बन पाए, लोग कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे थे कि हो सकता है कि ये पहला G20 होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी G20 में ऐसा नहीं हुआ है कि आपसी सहमति ना बन पाई हो। लेकिन भारत की ताकत, भारत की धमक, भारत की चमक ये साफ दिखाती है, जिस तरीके से भारत ने अपने जो 2 दिन की बैठक थी उसमें पहले ही दिन आपसी सहमति के लिए सबको तैयार कर लिया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करवाया। ये ऐसे समय पर जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और चीन और रूस को हमने देखा, क्योंकि चीन और रूस का यहाँ पर ना पहुंचना, खासतौर पर जब मैं रूस की बात कर रही हूँ तो मैं पुतिन और वहां शी जिनपिंग की बात कर रही हूँ, उनका ना पहुंचना, और उसके बाद चूंकि वो फिर नहीं चाहते कि भारत जब मेजबानी कर रहा है तो ये सफल भी हो जाए, लेकिन अभी तक का जो कार्यक्रम रहा है उसमें भारत की जो धमक दिखी है, चाहे दुनिया के अखबारों की हम बात करें विक्रांत, जो न्यूज छापी गई है, जो हेडलाइंस है, वो अभी तक दिखाता है कि G20 जब भारत को मेजबानी मिली तो भारत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए बिल्कुल, G20 का जो आयोजन हुआ उसकी सफलता, उसकी भव्यता को लेकर तो किसी तरीके का कोई सवाल हो ही नहीं सकता रवीना। और आने वाले जो G20 के होस्ट हैं, जहां अब अगली बैठक होनी है, उनके लिए भी बड़ी बात होगी। और जापान के PM इस समय देखिए आप राजघाट पहुंच रहे हैं, वो राजघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर देखिए जापान के प्रधानमंत्री हैंडशेक करते हुए, अब उन्हें खादी का बना हुआ पटका पहनाते हुए, और खादी और गांधी उन दोनों का महत्व बताते हुए, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही मजबूत मैसेज देते हैं और भारत को लेकर के भी ये बड़ा मजबूत मैसेज इसके जरिए जाता है। और नीरज, क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, विदेश मंत्रालय कवर भी करते रहे हैं, नीरज कई तरह के कयास ये लग रहे थे, लेकिन भारत की चमक और धमक की पहले ही दिन भारत ने रशिया, चाइना, उनके सबसे बड़े नेता के ना आने के बावजूद एक सहमति बनाई और सभी देशों को पहले ही दिन अपने साथ तैयार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल तैयार कर लिया। और फूमियो किशिडा का आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, जापान से आते हैं और जिस तरह से क्वाड में उनकी भूमिका है विक्रांत जी, वो हम सबको पता है, क्वाड में कैसे चीन को साधने की कोशिश की जा रही है और G20 के माध्यम से भी चीन को साधने की कोशिश की शुरुआत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, 2 दिवसीय यात्रा है, यात्रा तो 3 दिनों की है, आपको याद होगा 7 से 10 तक यात्रा का ऐलान हुआ था, लेकिन 8 तारीख को वो चली, यानी कुछ घंटे के लिए यात्रा बढ़ गई थी उनकी। उसके बाद वो कल दिन भर पूरा रुकते हैं, आज राजघाट में। गांधी की अहमियत कितनी है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर बाइडेन चाहते तो आज सुबह जा सकते थे, आज वो रुके गांधी स्थल पे, यानी गांधी की समाधि स्थल पे पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद उनका विमान जो है Air Force 1 उन्हें लेकर वियतनाम जाएगा। और वियतनाम जाने का भी कूटनीतिक महत्व है, चीन को संदेश देने की कोशिश है और उसी के तहत वो जा रहे हैं। एक के बाद एक नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी आश्रम दिखाते हुए उन्हें खादी का जो गमछा है वो भेंट करते हुए एक सम्मान के तौर पे है। और एक बार कार्यक्रम बता दूं, लीडर्स लाउंज तैयार किया गया है, ये गांधी आश्रम जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके अलावा लीडर्स लाउंज में कुछ आकृतियां हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई, जो उनके जीवन के घटनाक्रम को बताती हैं। वहां हस्ताक्षर भी पीस ऑफ वॉल नाम दिया गया है,
उसके बाद गांधी जी के धुनों पर, जो गांधी जी के जीवन से जुड़े धुन हैं, उनको बजाया जाएगा और वहां फिर समाधि स्थल पे सभी लोग रेथ सेरेमनी होगी, वहां पहुंचेंगे और फिर यहां से निकलकर गांधी मंडपम में आएंगे। 20 मिनट लगेगा तमाम नेताओं को यहां पहुंचने में, 10:30 बजे से 12:30 तक। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये जो टीवी स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रही है, आपसे थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, गांधी वाटिका में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यहां से दिया है गांधी जी ने। जी विक्रांत, तो लवीना यहां पर आप देखिए कि तमाम डिग्निटरीज अब वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष अपने शक्तिशाली देश, और G20 बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है दुनिया की। ये कहा जाए कि 2/3 आबादी और दुनिया की 85% GDP इन्हीं देशों से आती है जो G20 के संगठन देश है, और अब तो इसमें अफ्रीकन यूनियन भी की ताकत भी जुड़ गई है, अफ्रीकन यूनियन इसमें जुड़ गया है। तो निश्चित तौर पर इसके साथ G20 के साथ भारत की ताकत, भारत की चमक, भारत की धमक साफ दिखाई दे रही है।